हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को स्वागत है अंजनी जी के जीवन में। दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोस्तों हम घर के बाहर है, आपको सीन दिखाते हैं यहाँ का। तो देखिए मेरे बगल में हरा भरा। तो खास बात यह बताती हूँ दोस्तों, जो हम दरवाजे पर पपीता के पेड़ लगाए थे वो कितना बड़ा हो गया है, आइए दिखाते हैं। और फरा भी है और कुछ है जो लोग सब तोड़ कर भी ले गए हैं, तो चलिए दिखाते। देखिए दोस्तों कितना बड़ा हो गया है मेरे यहाँ पपीता का पेड़, इतना बड़ा हो गया है। और थोड़ा बहुत पपीता भी है जो फर गया है। और देखिए देव जो है आ गया है। तो आइए चलते हैं और किचन में बनाएंगे एकदम नए तरीके से रेसिपी। तो आइए चलते हैं और बनाएंगे। सो आप लोगों को किचन में ही बताएंगे जो हम क्या बनाएंगे। चलिए चलते हैं। तो किचन में आ गए हैं और आज जो मेरा रेसिपी बनेगा आप लोगों को, चलिए दिखाते हैं जो हम क्या बनाएंगे। तो आइए दिखाते हैं। हम ये 6 पीस अंडा ले लिए हैं, साथ में हम केला ले लिए, ये कच्चा केला है। तो अंडा और केला के मिक्स रेसिपी बनाएंगे एकदम बेहतरीन तरीका से और नए तरीका से। तो आइए सबसे पहले अंडा को और केला को हम फ्राई करेंगे। पहले हम अंडा में और केला में हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगा कर फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनेगा। लगाएंगे हल्का ही लगाएंगे, बीच में हल्का कट लगा दिए हैं ताकि रस जो है इसके अंदर भी चला जाए और खाने में अच्छा लगे। हल्दी नमक लगा दिए हैं, तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई गरम है और तेल भी गरम है, तो चलिए हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों एक तरफ हम इसे फ्राई होने देते हैं, तो फिर इसको हम पलटेंगे। अंडा फ्राई हो गया, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। अंडा फ्राई हो गया तो हम केला फ्राई करेंगे। एक तरफ फ्राई होगा उसके बाद हम पलटेंगे, तब तक चलिए दिखाते हैं। बच्चा लोग जो है क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आइए चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं नीचे और दिखाते हैं बच्चा लोग जो है क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये बच्चा लोग जो है सब मिलके कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या बन रहा है? झुलुआ। तो झुलुआ बन रहा है। स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट मिला है झूला बनाने के लिए, तो सब मिलके झूला बनाते हैं। तो ये दोस्तों चलते हैं किचन में। केला फ्राई हो रहा है, तो अंडा केला का बेहतरीन तरीका से रेसिपी बनाएंगे। इसमें क्या क्या मसाला डालेंगे हम आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों मसाला हम डालेंगे, देखिए मसाला में ले लिए हैं धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और एक टीस्पून हम गोल मरीच पाउडर लिए हैं, और एक टीस्पून जीरा पाउडर, साथ ही कस्तूरी मेथी और गरम मसाला हम खारा ही डालेंगे। और साथ ही हम फोरन में तेजपत्ता, जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च दो हम बारीक काट लिए हैं, और दो छोटा छोटा चार को हम आलू उबाल लिए हैं। ये मसाला में केला और अंडा का रेसिपी बनाएंगे जिसमें डालेंगे एकदम नए अंदाज में और नए तरीके से। तो चलिए हम अंडा केला का रेसिपी बनाने के लिए मसाला फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले प्याज और जीरा तजपत्ता को भूनेंगे। गर्म है तो जीरा तजपत्ता का फोरन डालते हैं, साथ ही हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो दोस्तों प्याज को सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। प्याज फ्राई हो गया है तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, साथ ही दोस्तों हम ये मसाला डाल देंगे। सारे मसाला हम एक ही साथ फ्राई करेंगे। हल्का पानी डालेंगे ताकि जो है मसाला जो है जले नहीं। 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें जो है आलू जो हम चार को रखे हैं उबाल कर उसको डाल देंगे। तो स्वाद के लिए हम नमक डाल देते हैं। मसाला फ्राई हो गया है तो ये आलू हम डाल कर इसमें भून लेते हैं। आलू भी भुना गया है तो हम इसमें रस के लिए पानी डालेंगे। तो रस के लिए पानी डाल दिए हैं, तो रस को हम गर्म होने देते हैं, उबलने देते हैं। उसके बाद हम अंडा फ्राई और केला फ्राई इसमें डालेंगे। तो देखिए ये झूला बना है और देव जो है इसे झूला रहा है। प्रोजेक्ट बना है स्कूल ले जाने के लिए, देव लेके जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा जो है
रस उबला कि नहीं। दोस्तों रस उबलने लगा है, तो चलिए हम अंडा फ्राई और केला फ्राई इसमें डालेंगे। देते हैं इसको, मिनट तक हम इसे रस में पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से रस जो है अंडा में भी अंदर में चला जाए और केला के में भी चला जाए, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों मेरा अंडा और केला का रेसिपी बनके तैयार हो गया, तो चलिए हम चूल्हा पर से उतारते हैं। तैयार कर लिए हैं, तो आइए बच्चा सबको खिलाते हैं और बताएंगे जो कैसा बना है, एकदम बेहतरीन तरीका से जो हम बनाए हैं। तो चलिए थाली में परोसते हैं। ऐसे चावल बना के रखे हुए थे, तो चलिए हम बच्चा को देते हैं खाने के लिए। तो बच्चों को दे दिए हैं खाने के लिए। आप मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय।